रोशनी लाइए, मुझे चलाने दीजिए। क्यों, मैं चला तो रही हूँ। पार्क कार्स भी हमसे आगे जा रही है। अब गाड़ी जितनी तेज चलेगी उतनी तेज चला रही हूँ मैं। कबीर ने हमें एक घंटे में पहुँचने के लिए कहा है, एक साल में नहीं। तो क्या काली जंगल पहुँचने से पहले ही अपना एक्सीडेंट करवा लूं? अरे तो आप इधर आ जाइए ना, मैं ड्राइव करता हूँ। आप इधर आइए, मुझे ड्राइव करने दीजिए। तुरे कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए मुझे। आपकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हम 2050 में पहुँचेंगे। प्लीज मुझे ड्राइव करने दीजिए रोशनी, प्लीज। जी नो, गाड़ी उसी स्पीड पे चलेगी जिस स्पीड पे मैं चाहती हूँ। आप चुपचाप बैठे रहिए। नवाब साहब भी चले गए और लाडो भी चली गई। भाभी जी दुआ करो कि अल्लाह उन दोनों को सलामत रखे। फिक्र मत करो सलमा, अल्लाह उनकी जरूरत। बेबी ने दरवाजा तोड़ दिया। संभाल के भाभी जी। बेबी संभाल। आप लोग पीछे हट जाइए। अरे क्या कर रही हो? एक मिनट, धक्का मत दो ना मुझे। मैं इमरान। तुम मान ही नहीं रही हो। कुछ करो तबीजी। अरे दुआ तो पढ़ लो। बेबी याद करो, हम लोग तुम्हारी फैमिली है। चलो जंजीरें लेकर आते जल्दी, चलो। इन जंजीरों से मुझे बांधो। क्यों सलमा? सलमा जी का हाथ। सलमा जी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अरे देख क्या रहे हो, जल्दी बांधो, कल मेरी मीटिंग है कैटरीना से, मैं मिल नहीं पाऊंगा। अरे मुझे नहीं, सिर्फ इन्हें। अगर गाड़ी उड़ानी थी तो इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अभी कोई तो हीरो बनते हैं। आपने मुझसे कुछ कहा? क्यों, सिर्फ आप ही हैं यहाँ बात करने के लिए? इस गाड़ी में मेरे अलावा और कोई नहीं। मैं इस गाड़ी से बात कर रही थी। मैं इस गाड़ी से बात कर लूंगी लेकिन आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ वैसे भी हमारे बीच बात करने के लिए बचा क्या है? जी यस, इसीलिए मैं इस गाड़ी से बात कर रही थी। साइलेंटली बात कीजिए। देखिए खान बा, I mean, मिस्टर खान, बस एक बार हमारी फैमिली सेफ हो जाए ना, उसके बाद ना आपको मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी ना मुझे आपकी। इसलिए तब तक आप अपनी कड़वी जबान, ताने और सरकाज़म अपने पास ही रखिए। बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा। और आप भी अपना एटीट्यूड, अपनी अकड़ और अपनी ये तीखी जुबान को काबू में रखिए। ओके ओके देन, और समाज के बाद नहीं मिलेंगे।
इसका मतलब ये कुछ ही देर में पूरी तरह से जहरीला बन जाएगी, फिर हम उसे कभी नहीं बचा पाएंगे। पुपी कहाँ गई? जंगल में मेरा अपना एक कॉर्नर है और मुझे ही नहीं मिल रहा है। आप थोड़ी देर चुप रहेंगी तो शायद मिल भी जाए। कबीर ने कहा था कि इस पूरे जंगल में सिर्फ वही एक कॉर्नर ऐसा है जहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, सो लिसन। लिसन? इतनी देर से ना आप बातें करी जा रहे और मुझे भी बातों में फंसा रखा है। क्या कर रहे हो? इतने डेंजरस जंगल में भी मेरा इतना क्यूट सा कॉर्नर है। काली जंगल में आया ना का वेलकम, और आप जिन्नात के बादशाह, आपका कभी ऐसे वेलकम हुआ? अगर आपको खुद की तारीफ से फुर्सत मिल गई हो तो हम लाल चाबी उठा लें। जी चलिए, आप ही रुके हुए। आप ठीक है? पर एक इनविजिबल दीवार है जो मुझे रोक रही है। उस लाल चाबी को ना ही कोई जिन छू सकता है और ना ही कोई जहरार, उसे सिर्फ आयाना छू सकती है। कबीर ने कहा था लाल चाबी को सिर्फ आयाना ही ला सकती है। आप फिक्र मत करो, मैं जाके लाल चाबी लाती हूँ। अगर मैं मर भी रहा हूं तो मेरा मुंह देखने मत आइए। हाँ
मुझे अपनी मम्मी को किसी भी कीमत पर बचाना है, मुझे वहां जाना होगा। मैं आपके साथ जाऊंगी। कबीर ने पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को जहरीला बना दिया, आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके साथ जाऊंगी। पेड़ों में से नोकीली चीजें कैसी? रोशनी ने अगर लाल चाबी को उठाया तो इन पेड़ों में से ये सारी नोकीली चीजें रिलीज हो जाएंगी। रोशनी की जान खतरे में। नो, रोशनी! रोशनी, वो चाबी मत उठाना। डायना वहां पहुंच गई है, पर उस बिचारी को ये नहीं पता कि लाल चाबी की कीमत डायना की मौत है।
नहीं नहीं हो सकता, दुनिया की कोई भी ताकत उस दीवार को नहीं काट सकती सिवाय जन्नत के बादशाह की तलवार के। रमन तो यहां पे सब क्या करेंगे अगर कभी भाई को पता चल गया ना अमन भाई इधर नहीं है, सबकी जान ले लेंगे। जान? अरे ऐसे कैसे जान ले लेंगे? हाँ जान है हमारी, कोई वो दुकान पे रखे अंडे की ट्रे नहीं है कि कोई भी आके अंडा लेके चला जाए, समझ गए अमन? लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम अमन भाई बन के चले जाते हैं बाहर। सिस्टर मोटू, ये चाचू कैसे बनेगा? इसके पास तो चाचू वाली स्टाइल ही नहीं है। भाई बनके? हाँ। और तुम भाई दिखोगे कैसे? सुनिए, एक आइडिया है हमारे पास। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।